हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 3 जुलाई 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग, एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर भी दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ये अपडेट निकल कर आ रही है मोहम्मद आमिर के रिगार्डिंग। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मोहम्मद आमिर को अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाती है। इसके साथ ही काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वगैरह भी देते रहते हैं, जिसके बाद अब ये बात तो फाइनलाइज हो चुकी है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है वहां कभी भी चांस नहीं मिलने वाला, वैसे भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ऐसे में अब इन्होंने जो यूके की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, यानी कि इंग्लैंड की सिटीजनशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, वो इनकी फाइनलाइज हो चुकी है और इनके आईपीएल ना खेलने के बीच में बस यही एक चीज थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में कि नहीं खेल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने यूके की सिटीजनशिप ले ली है तो इन्होंने बता दिया है कि आईपीएल 2024 में अपना नाम देने वाले हैं। दरअसल नेक्स्ट ईयर जनवरी में ये यूके के परमानेंट सिटीजन बन जाएंगे, जिसके बाद ये यूके के प्लेयर के तौर पर आईपीएल में अपने नाम को सबमिट करवा सकते हैं और आईपीएल में ये किसी ना किसी आईपीएल टीम के थ्रू आप लोगों को इस साल पिक होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साइड से, जहां पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम को आखिर भारत आना ही पड़ा। तो ऐसे में ये लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको भारत खेलने के लिए आना है, क्योंकि इनको अभी भी थोड़ी बहुत अकड़ दिखानी है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पहले पाकिस्तान के कुछ लोग आकर भारत में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेक करेंगे और अगर वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स से सेटिस्फाइड हैं तो उसके बाद ही पाकिस्तान की टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएगी। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री अगर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही है तो आप लोग समझ ही सकते हैं उनकी हालत कि वर्ल्ड कप को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड कप खेलने भी इनको आना है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका जो एटीट्यूड है वो भी कम ना हो। तो इस तरीके से हमें इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साइड से देखने को मिल रही हैं। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के रिगार्डिंग। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्कॉटलैंड के हाथों हार कर वेस्ट इंडीज़ की टीम का सफर वर्ल्ड कप से खत्म हो गया था और अब इसी बारे में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। दरअसल वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं ये आईपीएल में पैसों को देखने के लिए जाते हैं, पैसे इनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और इतने ज़्यादा पैसे मिलने के बाद ये फिर वेस्ट इंडीज़ के इंटरनेशनल टीम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। हालांकि प्लेयर्स की भी कुछ प्रॉब्लम इनके क्रिकेट बोर्ड के साथ है, जहाँ पर प्लेयर्स का मानना है कि इनको जो सैलरी दी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और वो सैलरी इतनी कम है कि इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि वो दूसरी लीग में जाकर खेलें, तो लीग से ही ये अपने पैसे बनाते हैं। वैसे तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड इनको बिल्कुल भी सैलरी नहीं देता। तो ऐसे में इन दो रीजंस की वजह से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड वापस से हमें सेम चीज़ करता हुआ नजर आ सकता है जो कि इन्होंने आज से कुछ साल पहले ही की थी। दरअसल वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि जो भी प्लेयर्स विदेशी लीग में खेलने के लिए जाते हैं उनको वेस्ट इंडीज़ के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसी चक्कर में कायरन पोलार्ड इनके साथ ही वेन ब्रावो जैसे जो लेजेंड्स हैं ये सभी प्लेयर्स लीग क्रिकेट में खेलते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने इनको काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया था। वही चीज़ हमें वापस से रिपीट होते हुए देखने को मिलने वाली है। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है सीपीएल के दो टीमों के स्क्वाड हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। सीपीएल में राजस्थान रॉयल्स की जो फ्रेंचाइज है यानी कि बारबाडोस रॉयल्स और उनके साथ ही जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है यानी कि ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, इन दोनों ही टीमों के स्क्वाड हमें आउट होते हुए नजर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बारबाडोस रॉयल्स के स्क्वाड की, तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग इनके पूरे स्क्वाड को देख पा रहे होंगे। इनके स्क्वाड में हमें देखने को मिलते हैं रोमन पॉवेल, उनके साथ ही जेसन होल्डर, कायल मेयर्स, महेश ठीकसाना, रसी वांडर डसेन, अथिल अथलांजे, उनके साथ ही ओबेड मैकॉय, केविन विकम, नाम देखने को हमें मिलता है रोहेल वांडर मार्वे का, इनके साथ ही अकीम जॉर्डन का, नाम देखने को मिलता है रखीम कॉर्नवेल का, डोनोवन फेरियरा का, इनके साथ ही जस्टिन ग्रेव्स का, इसके साथ ही नाम आता है जोशुआ बिशप का, नवीम यंग का, इनके साथ ही रिवाल्डो क्लार्क का और उनके साथ ही रेमन सिमंड्स का। इसके बाद अब अगर हम बात करें जो ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम है उनके स्क्वाड में आपको कायरन पोलार्ड देखने को मिलेंगे, इनके साथ ही आंड्रे रसेल, सुनील नरेन, निकोलस पूरन, राइली रोसोव, अकील हुसैन, ड्वेन ब्रावो, मार्टिन गप्टिल, उनके साथ ही नूर अहमद, उनके साथ ही मथीशा पाथिराना, उनके साथ ही नाम देखने को मिलता है जेडन सील्स का, मार्क दयाल का, उनके साथ ही नाम आता है चैडविक वॉल्टन का, टेरेंस हिंट्स का, उनके साथ ही नाम आता है कदीम अलीन का और उनके साथ ही जेडन कार्मिकेल का। ये सब प्लेयर्स आपको ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के स्क्वाड में देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से। सीएसके के लिए आईपीएल 2023 से पहले अंबाती रायडू जो है वो इस साल ट्रॉफी जीतने के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं और इसके अलावा बेन स्टोक्स, जिनका प्राइस 16.25 करोड़ रुपये था, उनको भी सीएसके की टीम रिलीज करने वाली
पड़ी है क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो मुकाबले खेले थे और सीएसके की टीम में इनकी बिल्कुल भी जगह नहीं बन पाई थी। तो ऐसे में बेन स्टोक्स और अंबाती रायडू के बदले अब सीएसके की टीम ने ऑलरेडी प्लेयर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर रिपोर्टेडली ये टीम अब पैट कमिंस को आईपीएल 2024 में टारगेट करने वाली है। हालांकि 16.25 करोड़ रुपए बेन स्टोक्स को रिलीज करके इनके पास आ जाएंगे, लेकिन ये इतनी ज्यादा हाई बिडिंग पैट कमिंस के ऊपर इस बार नहीं करने वाली। इसके साथ ही डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी काफी ज्यादा सेलेक्ट कर दिया कि डोमेस्टिक प्लेयर्स में से भी अंबाती रायडू की जगह किसी मिडल ऑर्डर प्लेयर में अगर तमिलनाडु के ही प्लेयर को शामिल कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल से पहले कुछ आईपीएल टीमों के जो होम ग्राउंड थे वहां पर हमें पिच रिव्यू देखने को मिलेगा। दरअसल आईपीएल 2023 में हमने ऐसी काफी सारी आईपीएल की होम ग्राउंड की पिचेस देखी थी जो कि क्रिकेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें काफी ज्यादा खराब देखने को मिली थी। जैसे कि जो लखनऊ का इकाना स्टेडियम था यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। इसके साथ ही इवन जो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यहां पर भी बारिश आने के केस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। यहां की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमें काफी ज्यादा पुरानी देखने को मिली थी जो कि आउटडेटेड थी। तो ऐसे में इस बार आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले हर एक आईपीएल टीम के होम ग्राउंड को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, और अगर कोई भी ग्राउंड उतने स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतर पाता है तो फिर उस टीम के मुकाबले आपको न्यूट्रल वेन्यूज पर शिफ्ट होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है कॉन्ट्रोवर्सी जो कि हमें देखने को मिली एशेज टेस्ट के दौरान, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कल इंग्लैंड की टीम को हरा दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हमें देखने को मिली और ये चीज हुई जॉनी बेयरस्टो के विकेट को लेकर। दरअसल जब जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ओवर खत्म होने पर एलेक्स कैरी के हाथ में गेंद थी, और जॉनी बेयरस्टो को ऐसा लगा कि क्योंकि ओवर कंप्लीट हो गया है और उन्होंने गेंद को डॉट खेल लिया है, तो ओवर कंप्लीट होने के बाद वो बिना कीपर से पूछे हुए विकेट से आगे बढ़ गए। तो एलेक्स कैरी जो कि विकेट के पीछे खड़े थे और पिछले काफी टाइम से वो बेयरस्टो को इस चीज को रिपीट करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने विकेट पर सीधे बॉल मारी और विकेट पर बॉल लग गई और उसके बाद जॉनी बेयरस्टो को आउट दे दिया गया। तो ऐसे में काफी ज्यादा इस चीज को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोगों का मानना है जो इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि ये खेल भावना के अगेंस्ट है, लेकिन जो लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं उनका ये मानना है कि ये चीज बिल्कुल लॉस के अंदर है। जॉनी बेयरस्टो बिना पूछे क्रीज से बाहर नहीं आ सकते थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना क्या आपके हिसाब से जॉनी बेयरस्टो को इस तरीके से आउट करने का ऑस्ट्रेलिया और एलेक्स कैरी का डिसीजन सही था या फिर गलत। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों की साइड से, जहां पर रिपोर्टेडली राजस्थान रॉयल्स की साइड से रियान पराग की जो ट्रेड है वो फाइनलाइज होते हुए हमें देखने को मिल चुकी है। वैसे 2 से 3 टीमें रियान पराग को अपनी टीम में शामिल करके उनको ग्रूम करना चाहती थी, लेकिन रिपोर्टेडली सीएसके की टीम इस लिस्ट में सबसे ज्यादा आगे चल रही है और जल्दी ही आपको रियान पराग की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ट्रेड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि रियान पराग एक भारतीय प्लेयर्स हैं। इसके साथ ही सीएसके को ये काफी कम प्राइस में भी देखने को मिल जाएंगे और सीएसके को पूरी उम्मीद है कि एमएसटी की कैप्टनसी में अच्छे तरीके से ग्रूम भी हो जाएंगे। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।